नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है बहुत ही खास होने वाला है। ते जो हमारी सखी है, ते लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल रही थी, बहुत मुश्किल से मना चुना के हम इनको अपने क्लास में लेके आए हैं। तो आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें बॉडी का मेजरमेंट लेके बताएं, तो आज हम इसी बॉडी मेजरमेंट लेके हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए नोटबुक पेंसिल लेके कि हम कैसे बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं और कैसे नाप लिया जाता है बॉडी का, फिर उसके बाद हम कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो आज की क्लास में यही होने वाला है। तो चलिए, समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज बनाने के लिए बॉडी का क्या क्या मेजरमेंट लगता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ लगता है। तो देखिए यहाँ से लेके 9 नंबर दिया है। तो पहला नंबर आता है लंबाई, फिर इसके बाद आएगा दूसरा नंबर शोल्डर, तीसरा नंबर है आपका आर्म होल, चौथा नंबर है चेस्ट, पाँचवा नंबर है कमर, छठवा नंबर है फ्रंट नेक, सातवा नंबर है बैक नेक, आठवा नंबर है स्लीव्स लेंथ, नौवा नंबर है स्लीव्स राउंड। तो आपने नोट कर लिए। तो दोस्तों, हम अपना मेजरिंग टेप लेके तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले लेंथ लिया जाएगा। तो देखिए, ये हम ब्लाउज सीख रहे हैं, तो ब्लाउज में हमें बैक साइड से लेना पड़ता है। तो हम अपने सखी को इसको घुमाएंगे। देखिए, बैक साइड का सबसे पहले आपको लंबाई देखना है। तो यहाँ पे ये शोल्डर है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आपको एक टेप को रखना है और यहाँ से लंबाई देखना है कि आपको लंबाई कितना चाहिए। तो ये जो लंबाई है 12 पे तैयार है। तो इसमें जब हम बैक साइड की जब हम लंबाई लेते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाते हैं। आप कोई भी ब्लाउज बनाएंगे, जो भी आपकी लंबाई चाहिए, अगर आपको 13 चाहिए तो आपको 14 लेना है, 14 चाहिए तो आपको 15 लेना है। ये क्या हाइट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लंबाई लिख लेते हैं। तो जैसे लंबाई हमारा 12 पे तैयार है, पहले आपको लिखना है 12। तो उसमें आपको लिखना 1 इंच आपको प्लस करना है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो बराबर हमारा हो गया 13। तो अभी दूसरा नंबर क्या है, आप लोग अपने नोटबुक में देख लिए आपने क्या लिखा है, शोल्डर। तो दूसरा नंबर हमारा है शोल्डर। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो हमें शोल्डर का नाप कैसे लेना है, देखिए इसमें हम आपको दोनों बताएंगे, जो हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, बोटनेक बनाते हैं, और जो नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं। जब आप अगर बोटनेक बनाते हैं तो भी आपको यहाँ से या जो आस्तीन की जो यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, यहाँ से आपको मेजरमेंट रखना है। आप देखिए ये 14 पे तैयार है, ठीक है। ये बोटनेक में भी काम करेगा और कॉलर ब्लाउज बनाएंगे तो ये काम करेगा। इस प्रकार से शोल्डर नापा जाता है और बैक साइड से नापा जाता है। लेकिन हम बना क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, नॉर्मल ब्लाउज का। तो नॉर्मल ब्लाउज समझो ये 14 है, तो 14 का हाफ कितना हो गया, 7 इंच आया। अब 7 में हमको 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो कितना हुआ, 5.5। तो हम शोल्डर रखेंगे नॉर्मल ब्लाउज के लिए 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 लिख देंगे। तो हम शोल्डर समझ गए। तो देखिए इसका शोल्डर 5.5 आया। अब इसका आर्म होल भी जो है 5.5 आएगा, तो हम यहाँ पे 5.5 लिखेंगे। तो आर्म होल हमारा 5.5 आएगा। अब देखिए आर्म होल हम जो आपको बोलते हैं कि राउंड नापो, आप लोग वो आर्म होल के कितना लें, इतने का चेस्ट है, वो आप पूछते हैं ना, तो वो हम बताते हैं। आर्म होल हम इस प्रकार से नापते हैं, इसको ऐसा लेंगे इंच टेप को और इस प्रकार से गोलाई देखते हैं। तो ये जो गोलाई है 18 इंच पर तैयार है, आप देख रहे हैं। तो 18 का हाफ कितना होता है, 9। तो 9 हुआ, तो 9 कैसे आप लेते हैं, जो हम ये आर्म होल यहाँ से 5.5 लिए हैं, बरोबर। तो 5.5 यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे हम गोलाई देते हैं। तो आपको इंच टेप को कैसे रखना है, यहाँ पे इस प्रकार से इसको घुमाते रहना है, घुमा के जाना है, और 9 इंच पे कहाँ पे आ रहा है वो देखना है, और 9 इंच पे आपका आएगा हाफ, तो ये फिटिंग होता है। उसके आगे आपको 1.5 इंच मार्जिन बचना चाहिए। और हाँ, जैसे आपने 5.5 पे तो लिया और आपकी ये जो राउंड है ज़्यादा हो रहा है, मतलब कम पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे,
तो उसको जैसे 5.5 लिए आप 6 इंच पे ले सकते हैं। तो 6 इंच पे आप निशान लगा देंगे, फिर उसकी गोलाई देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो गोलाई है उसको अच्छे से आपको नापना है, देखने का है कि हमारा कितना आ रहा है, कितना इंच पे है, कितना हाफ है। तो जो भी आपका गोलाई का राउंड आता है उसका हाफ आना है, उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन बचना है। वैसे भी ये जो आर्मोल होता है 5.5-6 इस प्रकार से आता है, इसका तो हम जैसे फार्मूला दिए हैं बॉडी आर्मोल का, आप हमारे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि कितने की चेस्ट में कितना आर्मोल रखना है। ओके, तो आपको ये हम क्यों बताएं, किसी का कम ज़्यादा रहता है तो आप इस प्रकार से स्पेशल आप अपने लिए बना सकते हैं। न्यूज़ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, और न्यूज़ पेपर पर जब आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं और इस प्रकार से 5.5 पे आता है आपकी राउंड, किस 6 पे आता है वो आप देख सकते हैं। तो अभी चौथा नंबर क्या है, आप लोग अपने नोटबुक में देखिए, चौथा नंबर है चेस्ट। तो हम चेस्ट कैसे नापेंगे, देखिए इसमें तो हम बॉडी का मेजरमेंट इसमें हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना अलग अलग लेंगे, तो कैसे नाप लिया जाता है हम वो बताएंगे। इस प्रकार से लाना है और इस पॉइंट के ऊपर से आपको ले आना है और इस प्रकार से देखना है। तो ये देखिए, ये 34 का चेस्ट है, इस प्रकार से आप 34 का चेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो भी बॉडी का मेजरमेंट लेंगे सबका अलग अलग होगा। तो हम आपको जो बता रहे हैं बॉडी का मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है, कैसे नाप लिया जाता है, तो आपको भी जैसे हमने अभी ऐसा बॉडी का मेजरमेंट लिया चेस्ट का, ऐसे आपको लेना है। तो ये अपना फिटिंग था, अब इसमें हम इसका चौथा भाग निकालेंगे। आप देखिए 34 का 1/4 होता है 8.5। तो देखिए चेस्ट हमारा है 34, तो 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो 8.5 में हम प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया 10.5। तो 10.5 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो भी चेस्ट रहेगा आपको 1/4 लेना है, और उसके बाद 2 इंच जो हम मिलाते हैं वो हमारी मार्जिंग होती है। ये जो हमने नापा वो फिटिंग हुआ, तो इस प्रकार से 2 इंच आपको प्लस करके लेना है। पांचवा नंबर क्या है, आप लोग मेरे नोटबुक में देखिए, पांचवा नंबर है अपना कमर। तो अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे, जैसे हमने चेस्ट का किए थे उसी प्रकार से हमको अब कमर का करना है। तो इस प्रकार से इंच टेप को आपको रखना है और आराम से देखना है कितने इंच पे है। देखिए ये 26 इंच पे हमारा कमर है, अब 26 का हम 1/4 निकालेंगे, तो कमर हमारा कितना आया 26, तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे। तो 26 का 1/4 हमको निकालना है, तो 26 का 1/4 आएगा हमारा 6.5, तो हम यहाँ पे 6.5 लिखेंगे और इसमें हम प्लस 2 मार्जिन मिलाएंगे, तो बराबर हो गया हमारा 8.5। तो इस प्रकार से आपको लेना है, जैसे हमने कमर में 2 इंच मार्जिन लिया, सुखा जैसे चेस्ट में लिया, उसी प्रकार से आपको कमर में लेना है 2 इंच मार्जिन। देखो हम फ्रंट नेक नापेंगे, नेक तो हम इसमें फ्रंट नेक नाप रहे हैं, लेकिन कैसा ये हाइट के ऊपर रहता है, किसी का कम ज़्यादा आता है, लेकिन नापा कैसे जाता है वो हम आपको बताएंगे। आपको शोल्डर के ऊपर इंच टेप को रख लेना है और इस प्रकार से कितना लेना है, अभी जैसे 6 है, किसी को 6 चाहिए, अब इंच टेप को आपको इस प्रकार से यहाँ पे रख के और इस प्रकार से घुमा लेना है, ऐसा ऐसा घुमाने से क्या होता है, हमको गला कितना ऊपर कितना नीचे चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा 6 पे था, अब 6 पे आया है तो हम 6.5 लेंगे। 6.5 क्यों लेते हैं, आधा इंच से 5 इंच हमारा शोल्डर में दबेगा और फिर हमारा जो पाइपिंग बनाते हैं उसमें जाता है, तो इस प्रकार से हम आधा इंच मार्जिन लेते हैं। और हाँ, ये जो गला है कोई कोई देखो क्रॉस में नापते हैं, तो आप क्रॉस में भी नापेंगे वही आएगा, किसी का 7 आता है, किसी का 7.5 आता है, किसी का 8 आता है, तो यहाँ तक गला 8 के तो नीचे आता नहीं है, तो ये हाइट के ऊपर रहता है। जिसका जैसा ब्लाउज रहेगा आप अपने बॉडी के मेजरमेंट से ले सकते हैं। अगर बॉडी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस इंच टेप को आपको ऐसा रखना है और इस प्रकार से घुमा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर नीचे लेते हैं तो ये 7 पे आया, इसके ऊपर चाहिए तो हम 6 पे लेंगे, तो जिसको जितना नीचे पहनना है उस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो अब हम 6.5 लिखेंगे। देखिए हमारा जो फ्रंट नेक है 6 पे तैयार चाहिए, तो हम 6.5 लेंगे। तो इस प्रकार से आपको जितना चाहिए आप आधा इंच मार्जिन मिला सकते हैं। अब ये हो गया हमारा बैक नेक, तो बैक नेक जो है हम पसंद अनुसार लेते हैं, पहनते हैं कोई 10, 9, 10.5 जैसे रहेगा, तो हम यहाँ पे 10 देते हैं, 10 हमारा अक्सर रहता ही है। अब देखिए ये स्लीव्स का लेंथ, अब स्लीव्स लेंथ हम कैसे नापते हैं,
अभी देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर आता है, अब यहाँ से इस प्रकार से कोई स्टेप रखना है, और देखिए कोई 4 इंच 5 इंच तो अभी चल रहा है, तो कोई 3.5 पहनता है, कोई 3 पहनता है, इस प्रकार से नापा जाता है स्लीव्स लेंथ। अब स्लीव्स लेंथ में क्या है, अगर जैसे कि हमारा अस्तर का ब्लाउज होता है तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन मिलाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जब हम ये स्लीव्स ज्वाइंट करते हैं आधा इंच जाता है, और आधा इंच जब हम इसको पलटी करते हैं तब जाता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, और हाँ अगर बिना अस्तर का है तो आप 1.5 या 2 ले सकते हैं, जो कि हमारा जो तुरपाई में 1 इंच फोल्ड होके जाता है तुरपाई होता है, और यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो इस प्रकार से आप स्लीव्स लेंथ ले सकते हैं। तो समझो हमारा जो स्लीव्स लेंथ है 4 इंच पर तैयार है, तो हम उसमें 1 इंच बढ़ाएंगे प्लस 1 इंच बढ़ाएंगे, तो बराबर हमारा हो गया 5 इंच। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब जो स्लीव्स का राउंड है वो कैसे लिया जाता है, आपको इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से घुमाना है। तो देखिए ये जो है 10 इंच पे है, तो 10 इंच पे तो सबका रहेगा नहीं, क्योंकि सब आप लोग अलग अलग चेस्ट का अलग अलग मेजरमेंट होता है। तो नाप कैसे लिया जाता है हम वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ से नापा, हमारा ये जो आया 10 इंच पे आया, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5 इंच हो गया, तो 5 इंच हमारा जो हो गया ये राउंड है, तो 10 का हाफ 5 हो गया, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसमें हमको मार्जिन कितना मिलाना है 1.5 इंच, तो यहाँ पे प्लस हम 1.5 इंच लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 6.5, तो 6.5 इस प्रकार से आपका आएगा। तो दोस्तों आप लोग का जो डिमांड था कि हमें बॉडी का मेजरमेंट लेके बताइए, तो इसके लिए हमें सखी का सहारा लेके हमने बॉडी का मेजरमेंट आपको बताया, लेकिन हमने इन सखी का बॉडी का मेजरमेंट लेके आपको बताया, लेकिन आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। हम तो इसका मतलब बॉडी का मेजरमेंट लेके आपको बताए, लेकिन आपको अलग अलग बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको कैसे काउंट करना है आपने देखा, जैसे कि आपको बैक साइड से आपको लंबाई देख लेना है, जैसे हमारा ब्लाउज है अगर जो सूट का हम लेते हैं तो फ्रंट साइड से मेजरमेंट करते हैं लंबाई लेते हैं, और जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो बैक साइड से लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और चेस्ट का राउंड कैसे हम लेते हैं उसका आपको देखना है, फिटिंग कितना है और उसमें हम मार्जिन मिलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कमर का भी आप देख लिए, और हाँ यहाँ का जो नेक है कैसे आपको कम ज़्यादा, आप बोलते हैं हम कितना नेक रखें, तो ये इस प्रकार से नेक लिया जाता है, यहाँ से आपको इंस्टेप रखना है और इस प्रकार से घुमाना है, कितना पे चाहिए, कितना नीचे, कितना ऊपर, आप इस प्रकार से अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। और हाँ ये जो आर्मोल का जो आपको बहुत दिक्कत आती थी कि हम आर्मोल कितना लें, तो ये 5.5-6 ये ऐसे इतना लिया जाता है, वैसे भी हमने आपको हमारा जो वीडियो हमने इसका बनाया है स्पेशल वीडियो हमारा है चैनल पे, आप सर्च करके देख सकते हैं आर्म होल और मतलब चेस्ट के हिसाब से कितना लेना चाहिए। तो अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे हमने इस पुतले का सहारा लेके आपको बॉडी का मेजरमेंट बताया, तो आप भी अपने किसी भी मेंबर में, आप अपने घर में किसी का भी बॉडी का मेजरमेंट लेके आप 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, उन बहनों तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है, ताकि वो घर बैठे सीख पाए। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।